उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद में 11 मई को पारित आदेश के अनुसार 3 सदस्य महामारी लोक निवारण समिति का गठन किया गया है, जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित राहुल कुमार सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर राजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित डॉक्टर अनीता मेहता प्रोफेसर एवं हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर शामिल है। उच्च न्यायालय द्वारा गठित इस समिति में जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त और इस समिति को संवर्धित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को प्राप्त और इस समिति को आम नागरिकों द्वारा दिए गए शिकायतों को सुनकर उसका समाधान करना है, जिससे कोविड के इलाज के नाम पर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने न आने पाए तथा समय समय पर सुनवाई कर जनपद न्यायाधीश को समस्याओं से अवगत भी कराया जाएगा। समिति को प्राप्त शिकायत का निस्तारण अभिलेखों आदि के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर बोल रहा हूं। और अभी माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है 11 मई को, जिसमें पैंडेमिक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, महामारी लोक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 3 लोग हैं, एक राहुल कुमार सिंह ACGM, मैं राजेश कुमार सिंह और एक प्रोफेसर हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज की। इस समिति का स्कोप ये होगा कि यदि कोई आम नागरिक को कोई शिकायत है किसी हॉस्पिटल से या किसी भी सिस्टम में किसी भी पार्ट से उसको शिकायत है, तो वो हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकती है, राहुल कुमार सिंह जी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती है या किसी के कार्यालय में लिखित रूप में उपलब्ध करा सकती है। उन शिकायतों की सक्षम स्तर से जांच कराई जाएगी, उनका निराकरण होगा, निस्तारण कराया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय को इससे समय समय पर अवगत भी कराया जाएगा। धन्यवाद।